छत्तीसगढ़ राज्य की कृषि के क्षेत्र में ऊंची छलांग ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए हुए दो महत्वपूर्ण एमओयू। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आ रही है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में उनके निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राज्य में कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए हुए दो महत्वपूर्ण एमओयू। छत्तीसगढ़ में खाद्यान्न, सब्जी और लघु वनोपजों को लंबे समय तक सुरक्षित, तरोताजा एवं गुणवत्ता युक्त रखने के लिए शासकीय क्षेत्र में स्थापित होगा पहला फूड इरेडिएटर प्लांट। फूड इरेडिएटर प्लांट के संचालन एवं तकनीक हस्तांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ शासन की ओर से बीज निगम एवं परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्यरत विकिरण बोर्ड एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी के मध्य हुआ एमओयू। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर छत्तीसगढ़ राज्य को गौठानों में गोबर से बिजली बनाने के लिए देगा तकनीकी मार्गदर्शन। गौठानों में गोबर आधारित विद्युत संयंत्र लगाए जाएंगे। इसके लिए छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के मध्य हुआ एमओयू। गौठानों में गोबर से उत्पादित बिजली का उपयोग वहां संचालित रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की पावर चलित मशीनों, पेयजल, सिंचाई, प्रकाश व्यवस्था सहित अन्य कार्यों के लिए होगा। अतिरिक्त बिजली का विक्रय विद्युत वितरण कंपनी को किया जा सकेगा। इस अवसर पर कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर कमलप्रीत सिंह, कृषि सचिव डॉक्टर एस भारतीदासन, सचिव ऊर्जा अंकित आनंद सहित अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर तथा विकिरण बोर्ड और आइसोटोप प्रौद्योगिकी के प्रतिनिधि अधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। ये बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट्स है, इस पे हमारे यहाँ रिसर्च हुआ है। जो निसर्ग ऋण मतलब कि प्रकृति का कर्ज, और इसको स्थापित करने के पीछे जो हमारे श्री शरद काले जो वैज्ञानिक थे, जिन्होंने उनको पद्मश्री भी मिला हुआ है, और शरद काले जी के मन में यही धारणा थी कि हम प्रकृति से इतना लेते हैं तो प्रकृति को क्यों ना कुछ वापस दिया जाए। तो तेरा तुषारे एग्रीकल्चर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज भी इसी से प्रेरित हैं। तो हम लोग एडवांस साइंस के अलावा हमारे केंद्र के जो वैज्ञानिक हैं, देश के कृषि के विकास के लिए जल इस क्षेत्रों में और भी बहुत ही जो है काम कर रहे हैं। निसर्ग ऋणा के 300 अधिक संयंत्र हमारे देश में लगे हुए हैं, और 200 से अधिक टेक्नोलॉजी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा अप्रूव्ड है, और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा रिकमेंड भी किया जा रहा है जगह जगह पे। तो हमें भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र को विशेष खुशी है कि निसर्ग ऋण गोधन न्याय योजना का एक अटूट अंग बनने जा रहा है। इससे गोबर का, मैं कचरा धन के बजाय धन कचरा बोलना चाहूँगा, द्वारा मीथेन गैस और तदनंतर विद्युत शक्ति का उत्पादन किया जाएगा। इससे प्रगति के भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की ओर से हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ सरकार के ये दोनों जो डिपार्टमेंट कामनाओं के साथ मैं इस टेक्नोलॉजी से भी हमारा विकास हो, हमारे इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में कृषि का। थैंक यू तिवारी जी। सर अभी एक छोटा सा एक चलचित्र है जो केवल 3 मिनट का, जो निसर्ग ऋणा टेक्नोलॉजी के संबंध में, वो आपके सामने। बायोगैस प्रौद्योगिकी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने एक बायोगैस प्रौद्योगिकी का मार्ग प्रशस्त किया है जो निसर्ग ऋण के नाम से प्रसिद्ध है। निसर्ग ऋण का शाब्दिक अर्थ है प्रकृति के प्रति अपना ऋण चुकाने को विघटित करती है और बायोगैस एवं जैविक खाद का उत्पादन करती है। BARC ने अपशिष्ट के उपचार के लिए द्विचरणीय पाचन पद्धति विकसित की है। पहले चरण में अब सौर हीटर के द्वारा गर्म पानी के साथ मिलाया जाता है और फिर इसे एक वायु कंप्रेसर द्वारा वायु के साथ भरा जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा जटिल जैव अणुओं को लघु कार्बनिक अणुओं में तोड़ दिया जाता है। पहले चरण में निर्मित घोल का दूसरे चरण में रूपांतरित बायोगैस उत्पन्न होता है। उत्पादित बायोगैस को दूसरे चरण में कई चेंबरों के माध्यम से परिचालित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च सांद्रता युक्त मीथेन उत्पन्न होती है। बायोगैस जेनसेट द्वारा बिजली में परिवर्तित किया जा सकता है। मूल रूप से पृथक किए गए रसोई के कचरे के जैव निम्नन के लिए निसर्ग ऋण तकनीक का उपयोग किया गया था।
जो अब कसाई खानों के अपशिष्ट, मछली और मुर्गी के अपशिष्ट खाद्य संसाधन हेतु अपनाई जा रही है। निसरग्रिड बायोगैस संयंत्र द्वारा प्रत्येक मीट्रिक टन जैविक अपशिष्ट से 60 से 80 घन मीटर के बायोगैस का उत्पादन किया जा सकता है। ये लगभग LPG के प्रत्येक मीट्रिक टन जैविक कचरे से 80 से 100 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाले जैविक खाद का मूल्यवान उप उत्पादन होता है। निसरग्रिड संयंत्रों का जीवन काल लंबा होता है की आवश्यकता होती है। वर्ष 2002 में स्थापित पहला संयंत्र अभी भी मुंबई के अणुशक्ति नगर में कार्यरत है। तत्पश्चात देश भर में 100 से अधिक निसरग्रिड संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। धातु या उच्च घनत्व वाले प्लास्टिक बने निसरग्रिड के संशोधित सुसंगत रूपों का कंपनी कार्यालयों में अभिकल्पन और स्थापन किया गया है, ताकि कैंटीन के कचरे का संसाधन किया जा सके। ग्रामीण और शहरी कचरा प्रबंधन के लिए निसरग्रिड परमाणु ऊर्जा विभाग के अत्यधिक दिखाई स्वच्छ भारत अभियान में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। अब मैं डॉक्टर कमलप्रीत सिंह एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर छत्तीसगढ़ से उनको आमंत्रित करता हूं इरिगेशन टेक्नोलॉजी के संबंध में अपना विचार रखने के लिए। नमस्कार सर, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी, प्रदीप शर्मा जी, सभी हमारे उपस्थित अधिकारीगण और विशेष रूप से सेकंड टेक्नोलॉजी है जो हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, और इस टेक्नोलॉजी का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा हमारे खेतों को जो वैश्विक जो उत्पाद हमारे दूसरे राज्यों में जाते हैं या विदेश में जाते हैं उनके लिए बाजार की थोड़ा सा चैलेंज है, क्योंकि इसकी जो